नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार लघु उद्यमी योजना में फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर भर रहे हैं और आप लोग का फॉर्म नहीं भराया है अभी तक, यानी कि आप लोग का एरर आ रहा है फॉर्म भरने में, तो आज हम आपको बता दें कि आज जो है इनका लास्ट डेट है 20/2/2024 आज ही है और शाम के 5 बजे तक इनका जो है वो चलने मतलब साइट चलने का यहाँ पर बताया गया था कि शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन होगा। बट दोस्तों, अभी का आप टाइम देख लीजिए, ये तो यहाँ पर 20 फरवरी यानी कि आज का डेट है, 3:40 होने ही वाला है और अभी जो है मतलब अभी 15-20 मिनट पहले से ही साइट जो है फाइनली बंद ही हो चुका है, क्योंकि अभी जो हम 10-15 मिनट से यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं दोस्तों, खुद का भी आवेदन नहीं कर पाए हैं, मतलब किसी का हमें करना था उसका जो है फाइनली रजिस्ट्रेशन कर दिए थे बट डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए थे। अब देखिए, डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने में जो समस्या आ रहा था कि वो कह रहा था कि पुनः प्रयास करें, बाद में ट्राई करें, या फिर इसी प्रकार का एरर आप लोगों को दे रहा था और हमें भी दे रहा था, ठीक है। अब साइट के एरर से ऐसा हो रहा था, साइट पर लोड था या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता था जो कि साइट का ही एरर था, तो इस प्रकार से जो आवेदन मेरा भी नहीं हो पाया और अभी जो ट्राई कर रहे हैं तो ये भी आवेदन नहीं हो रहा, मतलब अभी यहाँ से लिंक ही ओपन नहीं हो रहा है, वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रहा है, लॉगिन करने का जो पेज आता है वो नहीं हो रहा है। तो हम आपको क्लियर बता दें कि इनका जो है अपडेट आगे बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, जो लोग आवेदन कर दिए हैं वो तो कर दिए हैं, जिसका आवेदन नहीं हुआ वो लोग क्या करेंगे। तो भाई साहब, अब देखिए दोस्तों, जिसका आवेदन हो चुका है उनका तो हो ही चुका है, अब जिसका मान लेते आवेदन आधा हुआ है आधा बाकी है उनका तो कोई उम्मीद अब नहीं लग रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे साइट ही ओपन नहीं हो रहा है तो कुछ आप कर नहीं पाओगे। अब आपके हाथ में या फिर मेरे हाथ में तो है नहीं कि हम इसको ओपन कर दे, ये सरकार का साइट है, बिहार सरकार का साइट है और सरकार बिहार सरकार का जो भी साइट होता है वो आप लोगों को पता होगा कि किस प्रकार से साइट चलता है, ठीक है। तो मान के चलते हैं जिसका आवेदन हो गया वो तो हो ही गया, जिसका नहीं हुआ अब मान सकते हैं कि वो छूट ही गया। अब आपको क्लियर और फाइनल बताते हैं कि इसका डेट आगे बढ़ने का चांस है या फिर नहीं है। अभी तक आप देख सकते हो कि 3:00 जो है यहाँ पर 42 मिनट हो चुका है। अब आपको ये बताते हैं कि इसका डेट आगे बढ़ने का उम्मीद है या फिर नहीं है। तो अब आपको हम टाइम भी दिखा दिए हैं, आवेदन खत्म होने का टाइम जो है लगभग 1 घंटा बचा हुआ है, बट अभी तक जो है यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का सूचना जारी नहीं किया गया है, जो कि आप लोग को पता होगा ये जो है संदीप पाउंड्री जी, इनके द्वारा जो है हमेशा ही ट्वीट करके कहा जाता है, जो भी उद्योग विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन या फिर सूचना जारी करना होता है वो इन्हीं के द्वारा ट्वीट करके कहा जाता है। तो यहाँ से आपको जो है फाइनल रिजल्ट पता चल जाता था कि प्रोसेस क्या होने वाला है। देखिए, इससे पहले जो है इन्होंने 10 तारीख को ट्वीट 10 फरवरी को कहा गया था इनके द्वारा कि आवेदन जो है 45,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, इनका आवेदन जो है 20/2/2024 तक चलेगा शाम के 5 बजे तक। फाइनली आज 20/2/2024 ही है और शाम 5 बजे से पहले पहले ही जो साइट गुम हो गया। तो अभी तक जो है ऐसा कुछ नहीं सूचना यहाँ पर जारी हुआ है कि इसका डेट आगे बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। मेरे ख्याल से यही है कि अब इसका डेट जो है दोस्तों नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि ये आवेदन जो अभी तक आप कर रहे थे ना वो 2023 और 2024 में ही आप ये आवेदन कर रहे थे, अब जो होगा वो 2024 और 2025 का होगा, जो कि 2024 में ही स्टार्ट होगा। अगर आप लोग आवेदन नहीं किए हैं तो अब जो है अब आप लोग का अगला बार ही आवेदन होगा। अब मान लेते जो लोग इस बार रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं वो लोग पूछेंगे कि हमें फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना होगा। जो लोग इस बार रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं उन लोगों को फिर से रजिस्ट्रेशन करके अगला बार फॉर्म भरना पड़ेगा। अब जैसे ही इनका कोई नोटिफिकेशन आता है इसके डेट के रिलेटिव, तो हम आप लोग को सूचित कर देंगे कि इसका डेट आ चुका है या फिर डेट बढ़ चुका है या फिर नया आवेदन होना शुरू हो गया, तो वो हम आप लोग को सूचित कर देंगे। अभी तक आप ये मान के चलिए कि अब जो आवेदन कर दिए हैं वो तो कर ही दिए हैं, जो लोग छूट चुके हैं उन लोगों का छूट ही चुका है। अब आप लोग समय आप लोग के पास है तो अभी ही आप लोग जाति आय निवास आप बना करके रख लीजिए, ताकि इनमें जब भी डेट निकले तो आप पहले आवेदन कर दें। तो ये चीज आपको पहले ही अब आप ध्यान में रख लीजिएगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए। पहले आप देखिए डॉक्यूमेंट को क्लियर करके रख लीजिए, डॉक्यूमेंट की वजह से ही दोस्तों अगर आप लोग का आवेदन छूटा है तो वो डॉक्यूमेंट के ही वजह से छूटा हुआ है। तो आप लोग पहला काम यही करना है कि डॉक्यूमेंट आप पहले क्लियर करके रख लीजिए, ताकि जब भी इसका डेट निकले, अब देखिए आवेदन तो इसमें बहुत चलेगा, 94 लाख आदमी को मिलेगा, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो है कम से कम 5 लाख भी फॉर्म भराया होगा। हमें दोस्तों उतना नहीं लग रहा है कि 5 लाख भी फॉर्म भराया होगा, क्योंकि आय प्रमाण पत्र का जो है ना बहुत बड़ा लोचा हो गया था कि आय प्रमाण पत्र किसी का बन ही नहीं रहा था, उस वजह से फॉर्म बहुत ही कम डलाया होगा, बहुत ही कम। कुछ भाई ऐसे होंगे जिन लोगों का नहीं बना होगा, वो लोग थोड़ा सा प्रेशर में टेंशन में आकर के जो है मतलब एडिट करके भी डाल दिए होंगे आय प्रमाण पत्र को, तो उन लोगों का तो अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसका प्रॉब्लम उन लोगों को हो सकता है। तो अगर आप लोग भी ऐसा किए होंगे तो आप लोग को भी प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है, तो ये देखिए सही बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो सभी लोग जो है इस प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करते हैं। ऑलमोस्ट हम आपको सारा जानकारी दे ही दिए हैं, अब इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, जहाँ तक हमें पता होगा वहाँ तक बता देंगे। आप लोग देखिए चैनल को आप लोग अवश्य ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आप लोग एक्टिव रहिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसका अपडेट जो है किसी प्रकार का कुछ भी अपडेट आ सकता है, तो थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा और चैनल से जुड़ करके रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड, पूरा वीडियो को वॉच करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्त, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।